Thank you.
लुक में है। आज बहुत खुशी की दिन है क्योंकि मुंबई में गणपति जी का दर्शन, मैं 2010 में आई हूँ मुंबई में, आमची मुंबई, कलकत्ता की हूँ पर कभी कभी लगता है यही मेरा देश है और मैं यही दुआ करती हूँ कि इधर ही मैं अपना नाम कमाऊँ। आप लोग के बदौलत मुझे बहुत नाम मिला है, मैं ऐसे ही काम करती रहूँ। आज मैं अपने ही घर पे ओंकार अल्टामोन में गणपति दर्शन करने का मौका मिला है तो बहुत खुशी मिल रहा है और ऐसे ही आप लोग सब मुझे मोटिवेट करो, इंस्पायर करो और ऐसे ही काम करते रहे। और आज टुडे कंप्लीट महाराष्ट्रियन लुक कैसा लग रहा है? तैयार होने में कितना टाइम गया? ज़्यादा टाइम नहीं सर, आधा एक घंटा। वैसे लड़की एक घंटा बोलते हैं तो मतलब समझ जाओ। आपके पार्टनर कहाँ हैं आज? मेरे पार्टनर मतलब मुझे समझ में नहीं आया। डिजिटल पार्टनर, ये दैट इज़ राइट। सो मेरे डिजिटल पार्टनर आज घर पे है। मैं सोची ये मेरा घर, मतलब ओंकार अल्टामोन में मेरा खुद का फ्लैट है तो मेरे लिए ओंकार अल्टामोन अपना ही घर है। तो मैं सोची अपना घर पे मैं क्यों सबको ना बुलाऊँ, सबके साथ मिल के गणपति पप्पा का दर्शन करते हैं। माँ कहाँ माधुरी मैम और कहाँ मैं, पर आप बोल दिए सर, यही मेरे लिए काफ़ी है। टू जस्ट हियर द वर्ड दैट आई एम लुकिंग अलाइक लाइक माधुरी मैम, दैट मीन्स अ लॉट। सिर्फ आज के दिन का इंतज़ार नहीं, अभी आने वाले 10 दिन का जो इंतज़ार है, हर दिन एक एक इवेंट है। मैं दर्शन करने के लिए बहुत सारे ऐसे आई हैव गॉट इन्विटेशन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, सो एवरी डे आई विल बी ड्रेस्ड अप एज महाराष्ट्रियन मुलगी एंड आई विल सेट द स्टेज ऑन फायर। सर रनिंग प्रोजेक्ट, अभी वेब सीरीज़ मेरा 3 हो गया है, एक मूवी हो गया है प्रोजेक्ट, 2-3 म्यूज़िक एल्बम बन गया है। अभी कमिंग मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए जा रही हूँ मलेशिया, सो विश मी ऑल द लक। फ्रॉम 17 to 24 आई विल बी इन मलेशिया एंड फॉर मिस इंडिया एंड मिसेस इंडिया पेजेंट, और उसके बाद फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आपको बोल्ड का खिताब दिया गया है इंडस्ट्री में, ज़्यादा क्या कहना है? सर फिर से बोल्ड। सर एक बात बोलूँ, जो भी मतलब खिताब हम लोग को मिलते हैं, आई विल नॉट से मतलब ट्रोलिंग होता है, पर ट्रोलिंग भी ज़रूरत है क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 चीज़ का ज़रूरत है और आप लोग को पता है, वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट, एंड व्हेन इट इज़ जैनब इट इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। सो मैं ऐसे ही हमेशा एंटरटेन करती रहूँगी। बोल का खिताब बोलो, बाकी और जो भी यू नो तारीफ के ऊपर तारीफ मुझे मंजूर है। पापा ने मुझे सब दिया है, मतलब हाँ मैं जब 2010 में आई थी मैं ये सोच के आई थी कि शायद 1-2 साल रहूँगी। स्पेशली बोलते हैं बॉम्बे से, मतलब इट्स अ सिटी वेयर एवरी डे मोर देन 10,000 पीपल आर कमिंग एंड मोर देन 10,000 पीपल आर लीविंग द सिटी ऑल्सो, पर इन द विद द ब्लेसिंग ऑफ गणपति बप्पा आई हैव बीन हियर फॉर लास्ट 13 ईयर्स, आई हैव माई ओन हाउस हियर, आई हैव गॉट ऑल योर लव एंड अफेक्शन, आई हैव गॉट ट्रोलिंग ऑल्सो, आई हैव गॉट हेटर्स ऑल्सो एंड आई हैव गॉट माई लव वंस ऑल्सो। सो आमची मुंबई एंड आई बिलीव आई एम अ पार्ट ऑफ द सिटी एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिटी ऑलवेज। गणपति तो घर पर नहीं लाते हैं पर मेरे सब दोस्त के घर पर आते हैं, तो मेरे दोस्त के घर मतलब मेरा घर। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मौर्या। गणपति का त्यौहार है आज हमारे ओंकार अल्टामोन में और हम सब कल्चरल कमेटी मेंबर्स हैं। ये एक हमारी छोटी सी कोशिश होती है, छोटी सी आशा होती है जिसमें हम सारे फ्लैट मेंबर्स एक साथ मिलते हैं। 4 टावर्स हैं हमारे यहाँ पे ABCD ओंकार में एंड अमूमन 1200 से 1500 फ्लैट्स हैं। तो मुंबई की लाइफस्टाइल ऐसी है कि सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, बट देन ये त्यौहार जो होते हैं ये हम सबको एक साथ जोड़ते हैं, एकजुट जोड़ते हैं। 5 से 6 दिन जो यहाँ पे गणपति जी रहते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं और हम सब एकजुट होकर ये मनाते हैं। तो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दिस गणपति फेस्टिवल एट अल्टामोन। देन जी तो जैनब और जैसे आप सब जानते हैं शी इज़ ओवर हियर एट ओंकार अल्टामोन, जैनब और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि हमारे यहाँ पे एंड हम सब आर वी ऑल आर एज वन बिग फैमिली। तो कहीं पर भी कुछ ये नहीं होता है, आप गणपति में रहेंगे, गणपति में आप ये सब देखेंगे कि सारे जितने भी हमारे कलाकार्स हैं, साले जितने भी स्टार्स हैं, हम सब वी ऑल आर एज वन फैमिली और वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे हमारे यहाँ एज अंडर वन सिंगल रूफ। दिस इज़ ऑल अबाउट ओंकार अल्टामोन और ये है हमारी यूनिटी ओवर हियर।
एट अल्टा मॉन्टे। डी सी जैन, ओमकार अल्टा मॉन्टे। ये हम लगातार 2016 से फंक्शन मना रहे हैं गणपति का। ओमकार अल्टा मॉन्टे में हर साल गणपति का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और गणपति आते हैं और वापस विसर्जन होता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। आज के जो जैनब के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैनब पहले ओमकार में आए, जब से ओमकार का बहुत अच्छा नाम हो गया है और ओमकार में एक सेलिब्रिटी का बहुत अच्छा नाम है जैनब जी का। विसर्जन कब है सर अपना? विसर्जन 13 तारीख को है। ओके।